हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक और वीडियो में। इसमें बात होगी काफ़ी बढ़िया टॉपिक पे कि आर्मेनिया बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम कैसे है, लोग जो आ रहे हैं इधर काफ़ी फंसे हुए हैं। हाँ, तो लोग फंसे हुए कैसे हैं, देखो यहाँ पे बंदे 3 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में और 1 लाख में, जैसे आपकी एजेंट से बात बन जाती है उतने रुपए में आ रहे हैं इधर। तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि आप 2 लाख रुपए में आ गए आर्मेनिया। आप एजेंट ने आपको जिससे थ्रू भी बुलाया, दुबई या कहीं कोई से कंट्री का भी एक स्टॉप दिया, ठीक है, आप आर्मेनिया में आ जाते हो। आपकी एजेंट से बात हुई, 40,000 सैलरी या 50,000, 45,000, जितने में भी, तो इधर मिनिमम सैलरी मान लो 40,000 रुपये आपने उससे बोला के लग जाएगी सैलरी, ठीक है। काम आपने जो सा भी तय करा हो, मान लो कंस्ट्रक्शन का या कोई और होटल की जॉब, ठीक है, तो आपको मान लेते हैं कि एजेंट ने आपको होटल में लगवा दिया, ठीक है, आपने उससे तय करा कि 40,000 सैलरी, 40,000 सैलरी पर भी आपको लगवा दिया। आप आते हैं इधर, 4-5 दिन रहेंगे, जब तक आपका काम नहीं लगेगा एजेंट आपका किराया देगा हॉस्टल का, ठीक है। अब आपका काम लगवा दिया एजेंट ने, जो आपकी बातें तय हुई वो सब काम उसने कंप्लीट करा दिए। अब जब आप काम पर गए 2-4 दिन, फिर उसके बाद से उसकी सिरदर्दी हो गई ख़त्म। अब एजेंट का कोई रोल नहीं है, आप काम करो पैसे कमाओ, TRC भी मिल जाती है होटल में लगते हो अगर या किसी और काम में। अब क्या होता है कि आपको काम पर लगवा दिया, अब एजेंट का सिरदर्द ख़त्म। एजेंट कैसे काम पर लगवाते हैं, आपसे मान लो उसने 2 लाख रुपए लिए, ठीक है, तो इधर सबको आर्मेनियन तो नहीं आती है, तो आर्मेनियन जिसको आएगी वही तो बात कर सकता है, तो इधर के जो लोकल लोग हैं जिन्हें इंग्लिश आती है वो ही बात करते हैं और वो पैसे लेते हैं। जैसे काम पर लगवाने के मान लो $100, $150 जो लोकल के बंदे हैं उनको पैसे देगा जो बंदा आप जिसके थ्रू आए हैं, तो वो आपको काम पर लगवा देगा। काम पर लग गए उसके बाद, अब आप काम कर रहे हो मान लो 2 महीने बाद, वर्क परमिट नहीं है इधर, तो इसीलिए कभी भी आपका काम पे से हटा देते हैं। तो 2 महीने बाद अगर आप काम पे से हटते हैं, फिर आपको एजेंट काम पर नहीं लगाएगा, फिर आप अपने आप से काम ढूंढोगे, फिर उसके पैसे जाएंगे $200, $250, $300 ऐसे, किसी भी जगह काम करोगे अगर, फिर एजेंट को जो 2 लाख दिए वो ख़त्म। अब आपके सिर हॉस्टल का किराया भी चढ़ेगा 12,000-11,000 रुपये इंडिया के, फिर आप अगर काम ढूंढते हो तो $200 आपको वो देना है, कहीं पर भी लगोगे तो आप मुश्किल से ही 20,000 या 25,000 रुपये ही बचा सकते हो। 40-45,000 सैलरी है इधर, बिल्कुल है, लोग बताते हैं 40,000-45,000 सैलरी है, पर भाई 20,000-25,000 रुपये ही बचते हैं, और वो भी काम लगातार करते हो तो, क्योंकि वर्क परमिट नहीं है तो इसीलिए काम पे से हटा देते हैं। बस यही सीन बुरा है कि काम पे से हटा देने का, काम पे से हटोगे उसके बाद आपको ब्रोकर मनी देना पड़ेगी किसी को भी, किसी एजेंट जिसके थ्रू आए हो वो भी आपको लगाएगा तो ब्रोकर मनी ही लेगा, तभी लगाएगा भाई, क्योंकि आपने ये बात तय नहीं करी होगी कि मुझे काम पे से हटाया तो फिर से लगा के दोगे। ये बात तय कर लेना आने से पहले कि मुझे काम पे से हटाया तो दूसरी जगह लगाओगे, ब्रोकर मनी नहीं दूंगा मैं, ऐसे करके आ सकते हो इधर। पहली बात, काम इधर ऐसा ही है, वो ये दिहाड़ी वाला और होटल वगैरह में $500-$500 ब्रोकर मनी जा रही है अगर आपको लगना है तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।